أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وضبط أمري وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھے محمد والے عزیزان گرامی سامعین محترم، حضرت عالی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، سلسلے مجالس کی آج دوسری گفتگو ہے، اور یقیناً جو حضرات کل موجود تھے ان کے اذہان عالیہ میں موجود ہوگا جس موضوع پر ان چار مجالس میں آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، معروضات پیش کرنے ہیں، وہ موضوع امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات کے حوالے سے ہے. اور کل ہم نے ابتدائی گفتگو میں بیان کیا کہ ان خصوصیات کو سمجھنے کے لیے، ان خصوصیات کو پرکھنے کے لیے سب سے اساسی اور بنیادی چیز جو ہے وہ ہے معرفت امام. جب تک امام کی معرفت نہ ہو جائے، امام کی شناخت نہ ہو جائے، اس وقت تک امام کی خصوصیات، امام کے کمالات، امام کو جو کوالٹیز خدا نے عطا کی ہیں، جو امام کی شان ہوا کرتی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور یہ بھی عرض کیا تھا، معرفت جو ہمیں رکھنی ہے وہ شمر والی نہیں رکھنی ہے. کل مثالیں پیش کی تھی میں نے تاریخ سے، شمر نے بہترین ظاہری اعتبار سے امام حسین کو جانا تھا، مولا علی کو جان لیا تھا، صفین میں ساتھ تھا، لیکن کربلا میں وہی شمر امام حسین کے خلاف اور اس طریقے سے خلاف ہوا کہ امام کا سر تن سے جدا کرنے پر مجبور ہو گیا. معرفت تھی اس کو، اس سے انکار نہیں ہے، معرفت رکھتا تھا شمر، کوئی نہیں کہہ سکتا آپ سے زیادہ اس کو معرفت تھی. لیکن کون سی معرفت تھی؟ کل ہم نے عرض کیا تھا، وہ معرفت نہیں تھی کہ جو سلمان کو تھی، جو مقداد کو تھی، جو ابو ذر کو تھی. یہ وہ معرفت رکھتے تھے امام معصوم کی، کہ ظاہری معرفت کے علاوہ امام کی معرفت کا اپنے قلب پر بھی اتارا ہوا تھا. یہ معرفت چاہیے ہمیں اور آپ کو، اس کے بعد امام معصوم حجت خدا کو سمجھ سکتے ہیں. ادروائز اس کے علاوہ حجت خدا سمجھ میں آنے والی شے نہیں ہے جب تک قلباً امام کو نہ مانے، قلباً امام کے کمالات کو تسلیم نہ کرے. دوسرے الفاظ میں سر تسلیم خم، یعنی اطاعت مطلق چاہیے ولی خدا کے مقابل میں.
अगर इताअत मुतलक आ गई तो यकीनन इमाम हुज्जत अलैहिस्सलाम की खसूसियात भी आपको समझ में आ जाएगी। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले को, तज़्दार ग्रामी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। यकीनन इमाम ज़माना की शख्सियत को अगर देखा जाए, इमाम के कमालात यानी इसकी कोई इंतहा नहीं है, ना मैं शुमार कर सकता हूँ ना आप शुमार कर सकते हैं। जिसने कमालात अता किए हैं वही जाने इमाम ज़माना का मकाम क्या है, खुदा जानता है, खुदा जानता है। मैंने कल अर्ज़ किया था, आज दूसरी रिवायत अर्ज़ कर रहा हूँ, इमाम मासूम वो हुआ करता है कि जिसका कल्ब वो ज़र्फ़ है कि खुदा अपने इरादे को उस कल्ब पर उतारता है। खुद इमाम हसन अस्करी बयान करते हैं, इन्ना कुलूबना औइयतुन लिइरादतिल्लाहि अज़्ज़ वजल। ये दूसरी रिवायत, कल मैंने कुछ और रिवायत बयान की थी, आज दूसरी रिवायत दूसरे पहलू से कहा कि हमारे कुलूब, ग्यारहवें सरकार बयान कर रहे हैं, हमारे कुलूब वो ज़र्फ़ है कि जहाँ पर खुदा का इरादा आकर ठहरता है। यानी मैंने कल अर्ज किया था कि इमाम मासूम का कल्ब इस काबिल है कि खुदा अपने इरादे को उतारे। परवरदिगार आलम जब कोई भी इरादा उतारना चाहता है, कोई भी कमालात उतारना चाहता है, वो किसी में ताकत नहीं है, रिवायत के बयान कर रही है, सिर्फ खुदा के कमालात को वही दर कर सकता है, वही एक्सेप्ट कर सकता है कि जो ताल्लुक रखता हो आलिमुल गैब के साथ। उसके बाद उसमें सलाहियत पैदा होती है कि परवरदिगार जो इरादा उतारेगा, जो कुदरत उतारेगा, इमाम मासूम उसको कबूल करेगा। इसी को विलायत तकवीनी कहा जाता है। इसी वजह से ग्यारहवें इमाम यही बयान कर रहे हैं, इन्ना कुलूबना औइयतुन लिमशीयतिल्लाहि अज़्ज़ वजल। उसके बाद कहते हैं कुरान में यह आयत तुमने नहीं पढ़ी, वमा तशाउन इल्ला इंशाअल्लाह, इसका मकसद ये हो गया जो खुदा की चाहत है वही अहले बैत की चाहत है, जो अहले बैत की चाहत है वही खुदा की चाहत है। इमाम मासूम खुसूसन जिस इमाम के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है, वह इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कोई दर्द नहीं कर सकता, किसी में ताकत नहीं है। तज़्ज़ानिगरानी अगर इमाम की शख्सियत को देखा जाए तो इमाम के बहुत सारे कमालात, बहुत सारे खुसूसियात, बहुत सारे सिफात के हामिल हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। लेकिन अगर एक पहलू से देखा जाए तो चंद खसूसियात वैसे तो बेतहाशा खसूसियात है, मुझ जैसा इंसान बयान नहीं कर सकता, लेकिन आज जिस खसूसियत की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, सबसे बारिस और आश्कार खसूसियत इमाम वक्त की इमाम हय, रिवायात में इमाम जिंदा। वैसे हमारा हर इमाम जिंदा है, मैंने अर्ज किया और दीगर मकाम पर भी अर्ज करता आ रहा हूँ, हर इमाम हमारे अकीदे के मुताबिक जिंदा है। और इसकी सबसे बड़ी दलील यही है कि आप जो करबला जाते हैं, जो नजफ जाते हैं, जो सामर्रा जाते हैं, कादवेन जाते हैं, सब जगह जाकर आप यही तो कहते हैं अस्सलाम अलैका या हुज्जतल्लाह। यानी इसका मकसद यह है, सलाम जो आप पेश कर रहे हैं आपके जहन में, आपकी निगाह में इमाम जिंदा है भाई, तभी तो सलाम कर रहे हैं। अगर इमाम जिंदा नहीं होता तो सलाम क्यों कर रहे हैं? कभी आपने मुर्दा को सलाम किया? और ये सबसे बड़ी दलील है, ये जो नमाज में आप मोहम्मद मुस्तफ़ा पर सलाम पेश करते हैं, जो यहाँ कहा जाता है कि मोहम्मद मर गए, मोहम्मद मर गए, ये जो आज तक नारा लग रहा है नमाज में, भाई गवाही क्यों देते हो? जब मोहम्मद मर गए तो सलाम भी पेश किया जाता है, मरे हुए तो सलाम नहीं पेश किया जाता। तो ज़ानी गिरामी सबसे बड़ी खसूसियत इमाम वक्त की इमाम हय, और रिवायत में मिलता है, रिवायत बयान करती हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इमाम फरमाते हैं इन्नल हुज्जता ला तकूमु लिल्लाहि अला खल्क़िही इल्ला बि इमामिन हय्यिन युरफ। यह रिवायत बिहारुल अनवार, उसूल काफी और दीगर कुतुब में मौजूद है। छठे इमाम बयान कर रहे हैं
कि खुदा की हुज्जत उस वक्त तक तमाम नहीं हो सकती जब तक एक इमाम जिंदा की मारफत हासिल ना कर ली जाए। जब तक इमाम है जो जिंदा इमाम है, हर वक्त हर जमाने में इमाम हुआ करता है, एक हादी हुआ करता है। आप देख लीजिए, आदम से खातम तक का दौर और इमाम अली से आज तक का दौर, कभी भी जमीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं रही। ये सबसे बड़ी दलील है कि इमाम जिंदा हुआ करता है। जमीन पर कौन होता है? यकीनन इमाम जिंदा हुज्जत है जमीन पर मौजूद होती है, इसलिए खुदा का निज़ाम है। तो इमाम सादिक वही इशारा कर रहे हैं, इन्नल हुज्जता ला तकूमु लिल्लाही अला खल्क़िही इल्ला बिइमामिन हय्यिन युरफ। एक इमाम हय की मारफत हासिल करना, ये पहली दलील है कि इमाम जिंदा हुआ करते हैं, बेहतरीन दलील है। उसके बाद एक और रिवायत आप देखिए, इमाम रिजा अलैहिस्सलाम, इमाम रजा फरमाते हैं हमारा कायम जिंदा है, तुम्हारे दरमियान में जिंदगी गुजार रहा है, वो तरद्दुद करता है, बाजारों में चलता है, तुम्हें देखता है, तुम अपने घर में क्या कर रहे हो, अपने महलों में क्या कर रहे हो देखता है। ये हुज्जत खुदा है जो कायम है, जो माशी है, जो अपनी जगह पर रुका हुआ है खुदा की जानिब से, जो चल रहा है बाजारों में भी तुम्हें देख रहा है। ये दलाइल रिवायत बयान कर रही है, ये मैं बयान नहीं कर रहा। आठवें सरकार मौला अमीर से रिवायत मिलती है कि हमारा कायम बाजारों में चलता है, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन वो तुम्हें देखता है, तुम उसे देख नहीं सकते हो। वो देख रहा है, देखता कौन है? जो जिंदा हो। ये एक दलील। अब यहां पर जब बातें आती हैं तो हम पर एतराजात आते हैं, भाई एक शख्स है मुख्तलिफ जगहों पर जा रहा है, और रिवायत के जुमले ये भी हैं कि मशरिक और मगरिब में चक्कर लगाता है इमाम। इमाम के अंदर सलाहियत मौजूद है, खुदा ने ये विलायत तकवीनिया का इख्तियार मासूम को दिया है, हर मासूम के पास होता है। आज के ज़माने में हुज्जत खुदा के पास ये मकाम मौजूद है, दुनिया में जहाँ चाहे जा सकता है इमाम, हर जगह जा सकता है। अब एतराजात आना शुरू हुए, एक इमाम है, एक शख्स है, एक बंदा है खुदा का, मुख्तलिफ जगहों पर जा रहा है, कैसे मुमकिन है? हज़्म नहीं होता तो अज़्ज़ाने गिरामी इनको जवाब क्या दिया जाए? उनको जवाब यही दिया जाएगा कि तुम्हें एक फरिश्ते की वो विलायत समझ में आ जाती है जिसको मलकुल मौत कहा जाता है। भाई वो एक ही वक्त में किस किस की रूह को कब्ज़ करता है, अमेरिका जाकर वो लोगों को मारता है, कनाडा जाकर वो लोगों को मारता है, पाकिस्तान में वो मौजूद होता है, भाई हर जगह पर एक मलकुल मौत है। इज़राइल, हजरत इज़राइल हर जगह जाकर लोगों की अरवाह को कब्ज़ करने की सलाहियत रखते हैं, तो उसकी विलायत को तो मान लेते हो, उसकी ताकत को तो मान लेते हो, और वो हुज्जत खुदा का जिसको खुदा ने ताकत अता की उस पर ताज्जुब किया जाता है। इमाम हुज्जत जिंदा है, आपके दरमियान मौजूद है, वो आपको देखते हैं, आप इमाम को नहीं देख सकते। अच्छा, यहां एक सवाल आता है, ये जो ज्यारतें होती हैं, जो तशरुफात मिलते हैं मुख्तलिफ लोगों के, ये क्या है? लोगों ने देखा, और आप कह रहे हैं, रिवायत कह रही है कि इमाम आपको देखते हैं, आप इमाम को नहीं देख सकते, ये क्या माजरा है? तो ज़रा याद रखिए, अभी ताकत की बात हो रही थी, कुदरत है इमाम हज्जत के पास। जब खुदा ने इतनी सारी कुदरतें इमाम को दे रखी हैं, तो ये कुदरत भी इमाम के पास है। इमाम जिससे चाहेंगे मिलेंगे, उसको पहचान करवाएंगे, ये इमाम के इख्तियार में है। इसलिए बहुत से वाक़यात मिलते हैं, उन वाक़यात में क्या है, इमाम के जाने के बाद पहचाना गया। वहाँ मसलहत यही थी कि इमाम नहीं चाहते थे मुझे पहचाने, इमाम के अंदर ये सलाहियत है, किसको अपनी पहचान करवानी है, किसको अपनी शनाख्त करवानी है, इमाम करवाएंगे। तो इससे कोई टकराव नहीं है इस बात का
ये जो रिवायत में बयान हुआ, तरा वला तुरा, इमाम तो देखते हैं लेकिन इमाम को नहीं देखा जा सकता। तो इमाम मासूम मौजूद है, जिंदा है, सबसे बड़ी खसूसियत है आजकल के दौर में वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की। और इसी अकीदे पर मुख्तलिफ अदियान मौजूद हैं, फ़र्क सिर्फ ये है अकीदा महदवियत पर तमाम अदियान मुत्तफिक हैं, एक मुंजी आलम होगा वो निजात देगा, सबका अकीदा है। लेकिन हमारा तशय्यु का मुसल्लम अकीदा ये है कि इमाम मुंजी आलम तो है, दूसरे अदियान कहते हैं, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो और दूसरे अदियान हो, वो ये कहते हैं कि मुंजी आलम आएगा, आइंदा आएगा। लेकिन हमारा अकीदा ये है कि हम ये नहीं कहते आइंदा आएगा, हम ये कहते हैं कि हमारे साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। जब तक इमाम मासूम मौजूद ना हो, खुदा की हिकमत के साथ टकराव पैदा होगा। खुदा चाह रहा है हकीम हो, एक हादी हो जो आपकी हिदायत करे, नफ्स गलत लाजिम आएगा। एक तरफ खुदा चाह रहा है मैं हर दौर में हादी को भेजूँ तुम्हारी हिदायत के लिए, और आप कह रहे हैं कि हादी मौजूद नहीं है। आइंदा आने का मकसद यह है कि हादी मौजूद नहीं है अभी, यही जहन में आ रहा है। लेकिन हमारा अकीदा यह है नहीं, इमाम मुंजी आलम है, इमाम मौजूद है, इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे, लेकिन अभी भी दुनिया में मौजूद हैं और हम उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। इमाम हमारी हिदायत कर रहे हैं, गाह बे गाह, लम्हा बा लम्हा हमारी हिदायत के पीछे इमाम। जब आप दुआ करते हैं, अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद करते हैं, तो रिवायत कहती है कि जब कोई शिया हमारा चाहने वाला दुआ के लिए अपने हाथों को बुलंद करता है तो इमाम हुज्जत साथ में आमीन कहते हैं। इमाम की आमीन का मकसद क्या है? ये हिदायत हो रही है। और जब कभी भी, मैंने कल भी शायद इशारा किया था, जब कभी भी आपके आमाल इमाम की खिदमत में पहुंचते हैं, अगर अच्छे होते इमाम मसरूर होते, खुश होते, लेकिन अगर आपके आमाल में खुदा ना खास्ता कोई खराबी होती है तो इमाम रंजीदा तो होते हैं, लेकिन फिर भी इमाम मासूम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपने हाथों को बुलंद करते हैं और आपके लिए हिदायत की दुआ मांगते हैं, परवरदिगार से हिदायत दे दे। तो ये अकीदा हमारे यहाँ अलग है और दीगर अदियान का अलग है। हम जिंदा मानते हैं कि इमाम मासूम जिंदा है, और यही वजह है जब जिंदा मानते हैं इसी अकीदे की बुनियाद पर तवस्सुलात हमें मिलते हैं। मुख्तलिफ तवस्सुलात आपने देखे होंगे, तवस्सुल किससे किया जाता है? वास्ता जो बनाया जाता है, यकीनन जिंदा को बनाया जाता है, हर इमाम जिंदा है, दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन खासुल खास ये सिफत जो मखसूस है आजकल के दौर में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ, इसलिए बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं और खुद दुआ इमाम ज़माना में ये जुमला मिलता है, या मुहम्मद या अली, या अली या मुहम्मद इन्नकुमा काफियान, कि आप दोनों हमारे लिए काफ़ी हैं, फ़इन्नकुमा नासिरान, कल आप दोनों हमारी मदद करने वाले हैं। ये जो तवस्सुल आप करते हैं इसका मकसद क्या है? यानी इनका जिंदा तसव्वुर कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इमाम हुज्जत भी जिंदा है, तवस्सुलात मिलते हैं बहुत सारे तवस्सुलात, और दुआए नुदबा में भी आप पढ़ते हैं, ऐन सबबुल मुत्तसिल बैन अर्दी वस्समा, ऐ वो सबब कि जो ज़मीन और आसमान को मुत्तसिल करने वाला है। ये वास्ता फैज की तरफ इशारा किया जा रहा है। वास्ता फैज जो हम मनाते हैं आजकल के दौर में वो कौन है? इमाम हुज्जत की तरह इमाम अलैहिस्सलाम वास्ता फैज है। यानी जो कुछ भी खुदा की जानिब से नाजिल होता है, जो नेमत नाजिल होती है, सबसे पहले वो इमाम मासूम के पास आती है, इमाम हुज्जत उस पर इम्ज़ा करते हैं, साइन करते हैं, उसके बाद आप तक पहुंचती है, आप मुस्तफीद होते हैं। इसका मकसद है वास्ता फैज है इमाम ज़माना। बिल्कुल इसी तरीके से वास्ता फैज और बातें करूँ मैं, ये क्लियर नहीं है हमारे मोमिनीन के अजहान में, खुसूसन बच्चों के लिए, जवानों के लिए इसको मैं मिसाल के तौर पर वादे करूँ, मिसाल के जरिए। वास्ता फैज होता क्या है, क्या मकसद वास्ता फैज? देखिए, जब क्लास में बहुत सारे शागिर्द होते हैं, जब कोई बात शागिर्दों को समझ में नहीं आ रही होती, तो क्या करता उस्ताद? उस्ताद पहले कोशिश ये करता है कि जो बाइस्तेदाद तरीन शागिर्द है,
जो बाफहम व बाइदराक फहम व फिरासत रखने वाला ज़हीन और हाफ़िज़ा मजबूत रखने वाला शागिर्द जो होता है, उस्ताद चाहता है कि पहले उसके अंदर उंडेले उसको समझाए, फिर वो शायद दूसरे शागिर्दों को समझा दे। गौर कीजिएगा, वास्ता फैज समझाना चाह रहा हूँ, इमाम हुज्जत को समझाना चाह रहा हूँ, इमाम हई इमाम जिंदा है मौजूद है, जितनी भी नेमत अता हो रही है इस इमाम के वसीले से अता हो रही है। नहीं हो सकता कोई नेमत आपको खुदा अता करे, इमाम बीच में वास्ता ना हो, बगैर वास्ते के खुदा कोई काम अंजाम ही नहीं देता है। ये दुनिया सबब और मुसब्बत की दुनिया है, खुदा का निज़ाम यही है, जो भी चीज़ जारी करेगा पहले सबब तलाश करता है उसके बाद नेमतें देता है। तो ये जो शागिर्द है, जो पहला बाइस्तेदाद तरीन शागिर्द हाफिज़ा जिसका कवि है, जो फहम और फिरासत और इदराक इसका कवि है, उस्ताद कहता है तुम समझो फिर दूसरों को समझाना। तो अज़ीज़ाने गिरामी, वास्ता फैज इमाम ज़माना की ज़ात है, पूरी कायनात में पूरे आलम में खुदा जो भी चीज़ समझाना चाहता है, जो भी चीज़ अता करना चाहता है, खुदा को कोई शागिर्द नहीं मिला सिवाय इमाम ज़माना के, जो नेमत अता करता है उसके ज़रिए से आप तक पहुँचती है। इसी वजह से इमाम ज़माना को वास्ता फैज कहा जाता है। फिर एक सवाल ज़हन में आता, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लें ताकि आने वाले को जगह मिल जाए, दुरूद पढ़ते हुए आगे आ जाए। मेरे को सवाल जहन में आता है यहाँ पर, वास्ता फैज ज़ाहिर सबके लिए होना चाहिए ना, इमाम सबके लिए होता है, ऐसा तो नहीं है कि इमाम एक करिए के लिए हो, एक महल्ले के लिए हो, या सिर्फ सोल्जर बाजार के लिए हो, या सिर्फ मिसाल के तौर पर नाजमाबाद के लिए इमाम हो, ऐसा नहीं है। जब रसूल रहमत लिल आलमीन है, रसूल आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं, तब इनका जो वसी होगा वो इनका जो इमाम होगा इनके बाद वो भी आलमीन का इमाम होगा। तो अब जो चीज़ खुदा इनके ज़रिए से अता करेगा, ज़ाहिर वो तमाम फ्यूज़ात जो इमाम के सीने पर उतरते हैं, जो कल्ब इमाम पर आते हैं खुदा की जानिब से, जितने कमालात आते हैं, अब वो इमाम पार्टीबाजी तो नहीं करेगा, ये मेरा चाहने वाला इसको दूंगा इसको नहीं दूंगा। भाई इमाम यहूदियों को भी दिया करता है, इमाम ईसाइयों को भी दिया करता है, वाक़ियात मिलते हैं। तो ये वजह क्या है, ये तो सब इस्तेफादा कर रहे हैं, काफिर भी इस्तेफादा कर रहा है जो इमाम को मानता नहीं है, यहूदी भी इस्तेफादा कर रहा है, नासरी भी इस्तेफादा कर रहा है। ये मुसल्लम है कि जो नेमत अता हो रही है इमाम हुज्जत के वसीले से, ये तो मुसल्लम है, बिल्कुल यकीनी बात है, इसमें दो दो चार यानी कोई बात है ही नहीं दूसरी। इसकी मिसाल क्या है, इसका क्या माजरा है, देखिए जब एक माली बाग की हिफाजत करने वाला जब बाग में कुछ दरख्त लगाता है, उसी दरख्त को वो जहन में रखता है, मिसाल के तौर पर अनार का दरख्त लगाया, अब सारी तवज्जो उसकी होती है उसी दरख्त की तरफ, मैं इसको पानी दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं इसको पानी दूंगा। अब ऐसा कभी आपने देखा कि माली उसको पानी दे रहा हो दूसरे दरख्तों को पानी ना मिल रहा हो, यह तो मुमकिन नहीं है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब उस अनार के दरख्त को पानी दे रहा है उसके साथ जो दूसरे दरख्त है वो तुफैली बनकर मुफ्तखोर बनकर पानी लेते जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से इमाम हुज्जत का मामला भी है, वास्ता फैज भी इसी तरीके से है। जब खुदा को नेमत इमाम हुज्जत के सीने पर नाजिल करता है, तो भाई जब इमाम हुज्जत बांट रहे होते हैं तो इमाम ये नहीं देख रहे होते हैं ये मेरा चाहने वाला है, ये यहूदी है, ये ईसाई है, ये नासिबी है, ये अहले सुन्नत है, ये तशय्यु है, तमाम लोगों की जनाब वो तमाम फ्यूज़ात और रहमत जारी होती है जो खुदा ने उसके सीने पर नाजिल की होती है। तो वास्ता फैज सबसे बड़ा
एक मरहला इमाम का। अच्छा, इमाम ही को वास्ता फैस क्यों बनाया? आज सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, इससे पहले कि आप मुझसे सवाल करें मैं उसका पहले से जवाब दे रहा हूँ। इसको कहते हैं सवाल मुकद्दर का जवाब, हमारी इल्मी हौजे की ज़बान में। एक जो सवाल तकदीर में छुपा हुआ है, जो बेहतरीन मुहक्किक होता है पहले ही से उस तकदीर वाले सवाल का जवाब दे दिया करता है। तो मैं भी इससे पहले कि आप सवाल करें उसका जवाब पहले से दे रहा हूँ। ये सवाल जहन में आता है, ये इमाम ही को वास्ता फैस क्यों बनाया, कोई और क्यों ना मिला खुदा को? खुदा तुझे ये 14 ही नजर आए, वास्ता फैज इन्हीं 14 को बनाया। आजकल के दौर में इमाम हुज्जत वास्ता फैज, इमाम जिंदा, इमाम हई, वजह क्या है? देखिए बात असल में होती है जर्फ की। कभी आपने देखा, बच्चों के समझाने के लिए बुजुर्गान जानते हैं माशाल्लाह, पुराने जमाने में, आजकल के दौर में तो ऑलपर्स वगैरह आ गए, डब्बे आ गए, बर्तन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पहले ये होता था, जब हम छोटे थे तो हमारी वालदा हमें एक बर्तन दिया करती थी, खास बर्तन था दूध का, कि जाओ इसमें दूध लेकर आना, वो फना बर्तन मत उठाना, उसमें शायद मिर्चे होंगे, दूध उसमें आएगा, फट जाएगा। तो परवरदिगार आलम, दुनिया में तो हम ये देखते हैं अपने दूध की इतनी हिफाजत करते हैं कि दूध का बर्तन, उसके अलावा जो दूध से मखसूस है उसके अलावा हमारी माँ उठाने नहीं देती है, कहीं दूध ना फट जाए। भाई जब खुदा अपने दीन को किसी के हवाले करना चाहेगा तो किसी ऐसे खराब दर्द में तो नहीं डालेगा कि जो खुराफात फैलाएगा। तो परवरदिगार आलम ने तलाश किया, पूरे आलम में निगाह दौड़ाई, सबसे पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की दाद नजर आई, उसके बाद अली मुर्तज़ा नजर आए, उसके बाद फातिमा नजर आई, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। और आज के जमाने में इमाम जमाना की ज़ात अक़दस इस काबिल है, जो नेमत खुदा नादिल करता है इमाम के सीने पर आती है और उसका फैज़ आम जारी होता है, तमाम लोगों तक पहुँचता है। जिंदा निगरानी समझिए इसको। एक और मिसाल और वादे करूं मैं, इमाम में सलाहियत क्यों होती है? देखिए खुदा का कमाल जो है वो उस मकाम पर होता है कि उसमें इतनी शिद्दत होती है, जो चीज भी खुदा नाज़िल करेगा इतनी शिद्दत होती है कि हर कोई उस शिद्दत को तहम्मुल नहीं कर सकता। ये जो बिजलियां आप देख रहे हैं, ये जो बल्ब जल रहे हैं, LEDs हैं मेरे ख्याल से, एयर कंडीशन चल रही है, इसको डायरेक्ट आप उस PMT से, मैन पावर से मुतसिल नहीं कर सकते, ये फट जाएगा। क्यों नहीं कर सकते? जवाब ये मिलेगा, इसमें इतनी ताकत नहीं है, इसका ज़र्फ़ इस काबिल नहीं है कि PMT से मुतसिल हो सके, ये काबिल ही नहीं, काबिलियत नहीं रखता, सलाहियत नहीं है इसके अंदर। तो अज़ीज़ाने गिरामी, खुदा जो कमालात नाज़िल करता है, खुदा का इल्म है, उस इल्म को बर्दाश्त कौन करेगा? खुदा की कुदरत है, खुदा की रहमानियत है, खुदा की रहमियत है, जितने कमालात खुदा के हैं, तो इमाम मासूम इस काबिल है कि डायरेक्ट खुदा से मुतसिल हो सकता है, इसी वजह से खुदा ने इनको वास्ता फैज बनाया, यही वजह है वास्ता फैज बनाया। और इसी वजह से हम तवस्सुलात, हमें जो कहा जाता है वब्तगू इलैहिल वसीला, कुरान की आयत है, वसीला तलाश करो खुदा तक पहुंचने का, ये हम नहीं कहते, खुदा कह रहा है। खुदा को जब वसीलों के अलावा के जो 14 के वसीले हैं, खुदा को जब नजर नहीं आते तो भाई हम भी तो वही देखेंगे जो खुदा देखेगा, अपनी तरफ से नहीं देखेंगे। तो हम भी जब वास्ता करार देते हैं, तवस्सुल करते हैं, खुदा की बारगाह में पहुंचना चाहते हैं, तो हर इमाम को वास्ता बनाते हैं। और आजकल के दौर में खुसूसन इमाम जमाना की जात को वास्ता बनाया जाता है। इमाम जमाना बहुत नजदीक है आपसे, इमाम से बातें कीजिए, मैं मुसलसल अर्ज करता रहा हूँ, इमाम से बातें कीजिए, इसके असरात आप देखेंगे, असरात जो नजर आएंगे, इमाम से बातें किया कीजिए, बिल्कुल ऐसे बातें किया कीजिए जैसे आप अपने माँ बाप से बातें किया करते हैं, जब कोई चीज़ चाहिए होती कैसे मांगते हैं, पीछे लग जाते हैं, मुझे आज ही चाहिए, इस तरह जिद कीजिए इमाम जमाना से, इमाम जमाना अदा करेंगे आपको, इमाम जमाना आपके सुनते हैं। और रिवायत मौजूद है, 10वें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम के पास एक शख्स आया, मौला मैं बहुत दूर रहता हूँ,
दर कीजिएगा, इमाम के वजूद को दर करने की कोशिश कीजिए। इमाम जिंदा है उनसे इस्तेफादा कीजिए, वास्ता फैज है फ्यूजात को हासिल कीजिए। शख्स आया कहता मौला बहुत दूर रहता हूँ, आपके पास हर वक्त हाजिरी नहीं दे सकता मौला, मेरी मुसाफत बहुत दूर है। अब दसवें इमाम का जुमला कुरबान जब मौला के जुमले पर जबान इसमत से निकला हुआ जुमला, उसके क्या कहने, अपना ही असर रखता है, अपना लुत्फ है। इमाम ने कहा मेहरबानी इमाम की देखिए, इंशाअल्लाह इस पर भी बात की जाएगी। इमाम की रऊफियत देखिए अब जरा, मेरे मौला कहते हैं इन कानत लका हाजा फहर्रिक शफतैक फइन्नल जवाब यातीका। अल्लाहु अकबर। इमाम फरमाते हैं मसला नहीं है, तुम जितना दूर हमसे रह लो, जब कभी भी तुम्हें कोई हाजत दरपेश हो तो जहां पर मौजूद हो अपने होठों को हरकत देना, जवाब उसका तुम तक पहुंच जाएगा, उसका जवाब तुम तक आ जाएगा। इमाम बहुत नजदीक है, इमाम के लिए फर्क नहीं है, ये मुसाफत कुछ भी नहीं है, ये मेरे और आपके लिए है कि मैं अपने घर से उठकर जब तक फिजिकली मौजूद नहीं हूं मैं तकरीर नहीं कर सकता हूं। इमाम जो बात करना चाहते हैं इमाम के लिए जरूरी नहीं है, इमाम जहां कहीं भी दुनिया के जिस खित्ते पर मौजूद हो इमाम आपको देख रहा है, आपकी आवाज भी सुन रहा है, आपको जवाब भी दे रहा है, सब मुमकिन नहीं है। फिर इमाम किस बात का है भाई, जब खुदा की तमाम सिफात का मजहर अकमल है इमाम, तमाम सिफात का मजहर है, तो खुदा देखता भी है भाई, जो खुद ऐनुल्लाह बन जाए, खुदा जहां जहां देखता है उसका वली भी उसी जगह देखता जहां खुदा की निगाहें जाती हैं। अज़ीज़ाने गिरामी इमाम इतना नजदीक है, अगर बहजत के बाद शख्स आया यही सवाल किया, क्या उरफा के भी कहने सीरत पढ़ा कीजिए उलमा की, खुसूसन उरफा की सीरत पढ़ने की आदत डाली, मुश्किल हल होंगी आपकी। ये बहुत नज़दीक थे, बहुत नज़दीक थे इमामों से, अपने दिल पर विलायत को उतारा हुआ था इन्होंने, तब जाकर जबान में वो तासीर आता हुई और वज़ाइफ़ पर अमल करते थे। जो वजीफा आता था इमाम से कोई हिंट मिली कोई इशारा मिला करने बैठ गए, ये करो ज़ियारत आशूरा आशूरा आशूरा, ज़ियारत आशूरा को कभी भी तर्क नहीं किया बहजत ने, बंदा खुद गवाह है, खुद मैंने देखा है। हमेशा आगा बहजत सुबह ही सुबह 7 बजने में 5 या 10 मिनट का फासला होता था, सुबह की नमाज पढ़ के गुजर खान का जो एरिया आपने देखा होगा गुजर खान की तरफ से आते थे, और उस दरवाजे पर कि जो अब मेन दरवाज़ा नहीं है, पहले मेन दरवाज़ा वही हुआ करता था, एक ही दरवाज़ा था सहन नहीं बने थे उस पर, आगा बहजत वहाँ खड़े होकर गुम्बद को देख कर ज़ियारत आशूरा पढ़ते थे, कुछ दुआएँ पढ़ते थे, और एक ख़ास बीबी की हरम के अंदर बैठकर ख़ास कोने में अमलियात अंजाम देते थे। तो आगा बहजत के पास एक शख्स आया कहने लगा कि इमाम हमारी बात सुनते हैं, अब आगा बहजत से सवाल हो रहा है, अब जवाब भी वैसे ही आएगा, कहा कि ऐसा मुमकिन है कि इमाम हमारी बात को सुनते हो। आगा बहजत ने बड़ा गिरा कद जुमला इरशाद फरमाया, आगा बहजत फरमाते हैं ये बताओ मेरे मुंह में और मेरे कान में कितना फासला है, एक वजब से कम का फासला, एक बालिश से कम का फासला है। अब आगा बहजत का जुमला देखिएगा, क्या मारफत है, क्या विलायत को उतारा हुआ, उसके हिसाब से जवाब दिया, कहा कि फासला कितना कम है। आगा बहजत कहते हैं इससे पहले कि मैं जो बात कर रहा हूँ मेरे कानों तक पहुँचे इमाम ज़माना तक ये बात पहुँच जाती है। इमाम मासूम का मकाम ये है, कभी तसव्वुर मत कीजिए इमाम नहीं सुन रहे, उज़्नुल्लाह परवरदिगार है, अल्लाह का कान है ये, अल्लाह की आंख देख भी रहा है इमाम, आपकी बात सुन भी रहा है। इमाम से बातें करना सीखिए। अज़ीज़ाने गिरामी ये जो उरफ़ा इस मकाम पर पहुंचे हैं, आगा अली काजी तबतबाई से जब सवाल किया गया, आगा कुछ चीज़ें बताइए जो हाजात को पूरे करने में मुआविन साबित हो, जहाँ बहुत सारी चीज़ें आगा ने बयान की फरमाइश जाके आप देखिएगा, लेकिन वहाँ पर उसके साथ आगा अली कादिर तबतबाई ने यह भी कहा कि देखो तवस्सुल को कभी तर्क मत करना, खुसूसन सैयदुश्शोहदा से तवस्सुल करते रहना, अपने घर में मजालिस बरपा करते रहो, इमाम हुसैन की याद को ताज़ा करो, उसके बाद दुआ मांगो, कैसे कबूल नहीं होती है।
तो इमाम से बातें कीजिए, तवस्सुलात को बढ़ाइए। और इमाम पहुँचे हैं, मदद को आए हैं। मैंने अर्ज़ किया मसीही खातून का वाक्य मारूफ है। सैयद अहमद तबतबाई एक आगा थे, कहते हैं मैं जर्मनी पढ़ने गया, आलमान कहते हैं, फारसी में जर्मनी, आलमान पढ़ने गया। यूनिवर्सिटी से मैं अपने होटल वापस आया तो मैंने बाहर दरवाजे पर एक चीज़ लिखी हुई देखी। वो किसकी जानिब से थी? आगे जाफर मुश्तहिदी की जानिब से लिखा हुआ था, मैं आलमान आया हुआ हूँ और कूह एफल पर मौजूद हूँ। वहाँ पर एक पहाड़ था, उसका नाम एफल था। कोहे एफल पर, पहाड़ की चोटी पर मौजूद हूँ, वहाँ पर तुम आ जाओ। अब सैयद अहमद तबतबाई ने भी देखा आगा जाफर मुश्तहिदी का नाम, बड़े बड़े उरफाओं से मिलने आते थे, मुलाकात करते थे, बड़ा नाम था, बहुत मुत्तकी इंसान, परहेजगार इंसान थे। जब इन्होंने सैयद अहमद तबतबाई ने देखा कि लिखा हुआ है, फौरन इन्होंने कोहे एफल के राह को पकड़ा, बाहर निकले। बर्फबारी शदीद, कहते हैं बर्फबारी शदीद, बहुत सर्दी। मैं किसी तरीके से कोह एफल की जानिब पहुंचा। अब पहाड़ पर चढ़ना था, मुझे रास्ता मालूम नहीं हो रहा था, बर्फ थी ज़्यादा थी, मुझे रास्ता नहीं मालूम हो रहा था। अभी मैं सोच रहा था कि पहाड़ की चोटी से आवाज़ आई, सैयद अहमद आगा बिया वाला ऊपर आ जाओ। बहरहाल ये उसी आवाज़ के पीछे पीछे गए। इन्होंने क्या देखा? अजीब देखा, अजीब मंजर देखा। कहा कि एक बहुत ही बूढ़ी खातून मौजूद है, उस पहाड़ की चोटी में घर सा बना हुआ है, वहाँ पर एक बच्चा लेटा हुआ है और एक बूढ़ी औरत है, और जाफर आगा भी वहाँ पर बैठे हैं, और ये बुढ़िया जाफर आगा का तवाफ़ कर रही है, यानी गोया इन्होंने इसका कोई काम अंजाम दिया हो, तशक्कुर के तौर पर, शुक्रिया के तौर पर। अब सैयद अहमद आगा कहते हैं कि मैं ऊपर गया, मैंने जब ये मंजर देखा तो मैंने उस बुढ़िया से सवाल किया, उस बूढ़ी औरत से, ये बताओ तुम इनको जानती हो? कहने लगी नहीं, अभी कुछ घंटे हुए इनको मैं पहचानने लगी हूँ, नहीं जानती मैं। कहने लगी दास्तान क्या है, मुझे माजरा बताओ, उससे आगाह करो। कहने लगी मेरा बच्चा 3 महीने से गले के कैंसर में मुब्तला है, इसकी आवाज़ इसके गले से नहीं निकल रही है। मैं परेशान थी, ईसाई औरत है, मैं परेशान थी। मैंने जनाब मरियम से इस्तगासा किया, उनकी ज़बान में जो भी किया, मैं आपको समझाने के लिए इस्तगासा कह रहा हूँ, जनाब मरियम से इस्तगासा किया। बहरहाल कोई जवाब ना मिला। आलम रुहिया में, ख्वाब के आलम में जनाब मरियम तशरीफ लाए। कहने लगी कि मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा। अब ये बुढ़िया औरत कहती है कि आपका बेटा तो इस काबिल था कि जो नाबीना को बीना कर दिया करता था, जो बीमारों को शिफा दे दिया करता था, आप मुझे मना कर रही। जनाब मरियम ने अब जो कहा वो अजीब कहा कि मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रही हूँ, तुम ये नाम अपनी ज़बान पर जारी करो, तुम्हारी मदद हो जाएगी। अल्लाह अकबर। कहा कि कौन कौन से नाम? जनाब मरियम ख्वाब में कह रही हैं ईसाई औरत को, कह रही हैं कि तुम सबसे पहले जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम अपनी ज़बान पर जारी करो, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले, ख़त्मे मर्तबत का नाम अपनी ज़बान पर जारी करो। और उनकी एक बेटी थी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनका नाम भी जारी करो। और फातिमा ज़हरा का एक बेटा है, उसका नाम मेहदी है, उससे तवस्सुल करो, तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। अब जब ये कहा कि अभी मैं ख्वाब देख रही थी, अब मैं जब बेदार हुई तो उस पहाड़ की चोटी के साथ एक दरवाज़ा था, फौरन ये दरवाज़ा बजा, तब कुलबाब हुआ, मैंने जब दरवाज़ा खोला तो आगे जाफर मुश्तहिदी दरवाजे के पीछे खड़े थे, यानी ईमान की तरफ से मदद करने आए थे। कहा कि इन्होंने कुछ उस बच्चे की कमर के नीचे हाथ रखकर पढ़ा, उस बच्चे को शिफा मिल गई। उसकी थोड़ी देर बाद क्या देखा, बच्चा जो बोलने के काबिल नहीं था, जो गले के कैंसर में मुब्तला था, वो बोलने लगा और फौरन खड़े होकर कहता है मादर गिलानी मुझे कुछ खाने को दीजिए, मुझे भूख लग रही है, इसको शिफा मिल गई है।
तो जब कभी भी यहाँ से हमें सबक नहीं मिला, जब कभी भी कोई मुश्किल हो, चाहे वो कोई भी मुश्किल हो, जनाब खत्म मरतबा का नाम अपनी जबान पर जारी कीजिए, सैयदा फातिमा जहरा का नाम अपनी जबान पर जारी कीजिए, उनके बेटे महदी का नाम अपनी जबान पर जारी करके खुदा की बारगाह में उसको तवस्सुल के तौर पर पेश कीजिए, आपकी तमाम मुश्किल हल हो जाएंगी। ज़ानिग्रामी इमाम महदी अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ को वास्ता बनाइए, वास्ता फैज है। जब ईसाइयों के काम आ रहे हैं मौला, यहूदियों के काम आ रहे हैं, जो मौला का चाहने वाला, जो मुंतदिर इमाम ज़माना है आजकल के दौर में, गैबत के ज़माने में, आप अगर पुकारेंगे तो मौला कैसे आपकी मदद करने नहीं आएंगे। पुकार कर देखिए, लेकिन एक शर्त है, अपनी खलबतों को पाक कीजिए, अपनी खलबतें पाक करनी है। मजमे आम में अगर आप जा रहे हो, ना महरम को ना देख रहे हो, तो इसमें कमाल नहीं है, शायद किसी का खौफ हो, कोई मुझे तो नहीं देख रहा। अकेले में अपनी खलबतों को पाक कीजिए, अपने कल को जब पाक कर लेंगे तो वो पाक नाम है इमाम महदी का, जब वो आपकी ज़बान पर आएगा, जब खुदा की बारगाह में पहुंचेगा, तो इमाम ज़माना आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, ये बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, उसको इम्तिहान करके देखिए। इमाम ज़माना की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात का नाम है। आगे हसनज़ादे अमली बहुत बड़े आयतुल्ला, कई उलूम पर इनको महारत हासिल है, कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने क्या देखा कि किसी के ज़रिए से मुझे पैगाम भिजवाया है, क्योंकि बाज़ उरफ़ा में ये आदत रहती थी और ये सलाहियत थी कि मरने के बाद भी जो कुछ उनके साथ पेश आता था, जो बातें होती थी, वो बयान करते थे। हसन दादे हमने आज भी मौजूद हैं, कौम में होते हैं, खुदा उनको हिफ्ज करे। कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने घर में बेजा गुस्सा किया, गुस्सा आ गया मुझे। अब गुस्सा करके मैं जब आया, जब एक आलिम दीन से मिला, तो उन तक पैगाम भिजवाया था वक्त के इमाम ने कि हसन दादे आमली से ये कहना, क्या इस गुस्से के साथ भी तुम तवक्को रखते हो कि हम तुमसे मुलाकात करने आएंगे। एक भेजा गुस्सा आपको कितना दूर ले जाता है। घर में कितने गुस्से करते हैं, बीवी ने खाना सही नहीं बनाया, उसको झाड़ दिया, डांट दिया उसको, आज नमक तेज़ कर दिया, आज सही भूना नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी, इसको ख़त्म कीजिए, गुस्सा करना बंद कीजिए, इमाम पसंद नहीं करते हैं। अपने वालिदैन के सामने जवान खड़े हो जाते हैं, बुलंद आवाज़ से बातें करते हैं, फिर तवक्कोआत ही रखते हैं, मौलाना वक्त के इमाम से मुलाकात कैसे मुयस्सर है। भाई जब इमाम जिनका कह रहे हैं उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, तो जब तुम अच्छे तरीके से पेश ही नहीं आ रहे हो, फिर तवक्को किस बात की है। वाकयात मिलते, बड़े शदीद वाकयात मिलते, आपको झंझोड़ के रख देंगे। ज़ियारत करने का शख्स आरा हिल्ला से चला, हर शब जुमा कितना सवाब है इमाम हुसैन की ज़ियारत का, बेतहाशा सवाब है। शब जुमा ख़ास तौर पर रिवायत वारिद हुई है, इमाम की ज़ियारत को जाए इमाम हुसैन की, सैयद शहदा अलैहिस्सलाम कहता मैं हिल्ला से चला ज़ियारत करने। इसका एक बूढ़ा बाप था घर के अंदर, बहुत बीमार था, मरीज था, खड़े होने की ताकत नहीं थी इसके बाप में, दवाइयाँ देता था, वॉशरूम लेकर जाता था पकड़कर, एक सहारे की ज़रूरत हुआ करती थी। शब जुमा आया, कई शब जुमा इसने तर्क कर दी, अब इसका दिल मचल रहा है अपने इमाम की खिदमत में जाऊँ सलाम पेश करने के लिए। कहता है बाबा जान मुझे इजाज़त दीजिए। बाबा कहते हैं बेटा मैं बीमार हूँ, बहुत इंसिस्ट करता है, इसरार करता है, देखिए शब जुमा है, मुझे इजाज़त दे दीजिए। बाद अब ऐसा होता है कि वालिदैन अंदर से राज़ी नहीं होते हैं, लेकिन ज़ाहिरन बेटे की खातिर इजाज़त दे देते हैं। आपने देखा होगा वालिदैन का दिल बड़ा नरम होता है, लेकिन अंदर एक गोशा होता है, बिलाकर कसक होती है, मेरा कहना नहीं माना इसने, यकीनन होती है। आप इम्तिहान करके देखिएगा, जो जो बाप बन चुके हैं, जिनके अंदर जिनके बच्चे मौजूद हैं, मैं खुद दो बच्चे हैं मेरे हैं, मुझे पता है अंदर क्या होता है। बाबा मुझे इजाज़त दे दीजिए, अंदर से राज़ी नहीं होती, बच्चे की रजाइत की खातिर इजाज़त दे दी। बहरहाल ये इंसिस्ट करता रहा, बाबा मुझे जाने दीजिए, शब जुमा फजीलत बहुत हो रही है मेरी, मैं सवाब हासिल करना चाहता हूँ, इमाम को सलाम करना चाहता हूँ। बाप ने इजाज़त दी, कर जाओ। हिल्ला से चला, चार घंटे का रास्ता है हिल्ला टू करबला, वहाँ से चला। रास्ते में एक अरब से मुलाकात हुई, बहुत ही खूबसूरत अरब, हसीन और जमील, ऐसा जवान
ऐसा अरब कभी इसने देखा नहीं था ज़िंदगी में। अब ज़ाहिर है रास्ते में जब मुलाकात हुई, बातें हो रही हैं, आप कौन हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आप वो हैं, अब वो शख्स जो था वो तमाम हालात बग़ैर देखे उसको बताता जा रहा था, तुम ये करके आए हो, तुमने ये किया है, तुम्हारे ये अमाल हैं। ये परेशान हो गए, ताज्जुब कर, आप हैं कौन ये तो बताएं। अब जब इसने ये तमाम चीज़ें देखी, सवाल किया, अब जो इजाज़त लेकर आया था अपने बाप से शब जुमा को पाने के लिए, इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए, अब इसने वही दिल में कसक थी इसके, शायद इसको भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, मेरे बाप ने इजाज़त दिल से दी हो ना दी हो मचल रहा था। इसने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त इंसान मालूम हो रहा है, बड़ी मालूमात रखने वाला इंसान है, एक सवाल करता हूँ। कहने लगा अच्छा, आप मुझे बहुत अच्छे मालूम हो रहे हैं, आप मुझे ये बताइए मेरी जो ज़ियारत है जो मैं करने जा रहा हूँ कबूल है नहीं है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, उस शख्स ने कहा तुमने सवाल किया तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कहा कि ऐसी 100 ज़ियारतें भी अगर तुम कर लो और घर में बूढ़ा बाप मौजूद हो, तुम्हारी ज़ियारत कबूल नहीं है। हिल गया, परेशान हो गया, कहता मेरी ज़ियारत कबूल नहीं, मैं तो इमाम हुसैन की ज़ियारत को दर करने जा रहा हूँ, शबे जुमा का बड़ा सवाल है। उस शख्स ने कहा सवाब तो है, लेकिन किस वक्त है, जब अपने वालिदैन की खिदमत करके ज़ियारत करने आओ, तब हम तुमसे राज़ी होंगे। पता चला ये वक्त का इमाम था कि जो इशारे दे रहा था, देखो पहले माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को राज़ी करो, फिर ज़ियारत पे जाओगे तो खुदा तुम्हारी ज़ियारत कबूल करेगा, वगरना ऐसी 100 ज़ियारतें करते चले जाओ, तुम्हारे मुँह पर देख के मारी जाएंगी तमाम ज़ियारतें, जब तक अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे। अज़ीज़ाने गिरामी, इसको समझिए, इसको दर करने की कोशिश कीजिए। इमाम से मुलाकात कोई आसान काम नहीं, मुश्किल भी नहीं, अपने वजीफों पर अमल कीजिए, मुलाकात हो जाएगी। लेकिन जो जो इमाम ने कहा है, ज़ाहिर जो खुदा की तरफ से नुमाइंदा होगा उसकी दीद भी खुदाई होनी चाहिए, वो अपने तरह से देखेगा। अज़ादारों, आज इमाम ज़माना को मेरा दिल चाह रहा है कि सकीना का भरोसा दिया जाए। वक्त का इमाम बड़ा गरीब है, अज़ादारों बहुत गरीब है वक्त का इमाम। आप चंद जुमले मसाइब के सुनते हैं, आप तड़प जाते हैं। इमाम हुसैन के साथ ये हुआ, सकीना को इतने तमाचे लगे, ये जुल्म सकीना पर ढाए गए, लेकिन जो वक्त का इमाम है जब ये देखता होगा, आज भी शाम का बाजार इमाम के सामने है, जब देखता होगा तो क्या हाल होता होगा इमाम का। मुझे मसाइल पढ़ने में फुर्सत देना चाहता हूँ मौला, ये मसाइल अगर बयान ना होते मैं बयान ना करता मौला, इस बच्ची पर जो मजालिम बिठाए गए मौला आप तो अच्छे तरीके से जानते हैं। अजरुकुम अल्लाह, अदालत इस बच्ची पर बड़े मजालिम ढाए गए हैं, एक मुसीबत नहीं ढाई गई है। कभी बाप जब रुख्सत देने आया, इस बच्ची ने देखा वो बाप जो रुख्सत लेने आया है अपने सीने पर सुला के जा रहा है, गोशवारे पहना रहा है, सर पे हाथ फेर रहा है, ये बच्ची देख रही है, शायद बच्ची तसव्वुर कर रही हो आगे चलकर भी ऐसी शफकत के साथ लोग मेरे साथ पेश आएंगे, लेकिन मामला अजीब हो गया। अब ये कारवान जब तैयार हुआ है, अदादर तमाम लोग जब सवार हो गए हैं, तमाम बीवियों को जब सवार करा दिया गया है, हर एक बीवी अपनी सवारी पर बैठ चुकी है, अब बच्चों को सवार कराने की बारी आई। शिमर मलऊन ने बहुत जुल्म किए हैं बच्चों के ऊपर, अदादर एक जुल्म तो असगर पर किया है, वो जुल्म कब किया है, जब एक मरतबा मौला हुसैन ने असगर को पुश्ते खैमा जब दफन कर दिया था, बड़े अजीब जुल्म है शिमर के, दोनों बच्चों पर बड़े जुल्म ढाए शिमर मलऊन ने। एक मरतबा जब असगर को पुश्ते खैमा हुसैन दफन कर चुके थे, अब जब सरों को गिनने की बारी आई, तो जब सर गिने गए एक सर कम नजर आ रहा था, एक शकी आगे बढ़ा, कहता शिम मैंने हुसैन को देखा था पुश्ते खैमा कुछ दफन कर रहे थे, अदादारो जरा जुल्म देखिएगा, जुल्म देखिएगा। अब तमाम
अशिया आगे बढ़े हैं, किस तरीके से आगे बढ़े। अजादारों अपने अपने नेजों को जमीन में गाड़ते थे, गाड़ते गाड़ते एक मौका वो आया जब नेजा जमीन में गया तो वो खाली न आया, असलर का नन्ना गला। अजर कुमार अल्लाह एक जुल्म ये किया शिमर ने अजादारों और दीगर जुल्म बच्चों में से, जिस बच्चे पर ढाए शिमर ने वो सकीना है, जब सवार करा दिया तमाम बच्चों को उनकी माओ की आगोश में दिया। अब ज़ैनब कुबरा ने देखा शिमर सकीना को अलहदा से सवार कर रहा है। ज़ैनब कुबरा कहती है ऐ शिमर एक लुत्फ कर दे, इस बच्ची को मुझे दे दे, देखिए बच्ची छोटी है ये सवारी से गिर जाएगी, सवारी बड़ी है। शिमर कहता है ज़ैनब नहीं ये बच्ची नहीं गिरेगी। अजादारों कारवान चला, कारवान चलता जा रहा है। अब रास्ते में क्या हुआ, एक मर्तबा कारवान रुका। अब कारवान जब रुका तो मालूम किया गया कि भाई कारवान क्यों रुका है। अजादारों पता चला एक बच्ची है जो ऊंट से नीचे गिर गई है। देखा जब गया ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से नीचे गिरा दिया। अजरकुमल्ला खुदा कोई गम ना दे सिवाय गमे आले मोहम्मद के। अजादारों आखिरी दो जुमले अर्ज करूंगा। अजादार पुरसा देना है वक्त के, इमाम को पुरसा देना है, इमाम ज़माना को पुरसा देना है। अब ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ी। ज़ैनब कुबरा कहती है शिमर देख मैं ना कहती थी बच्ची छोटी है गिर जाएगी। अजादारों अब शिमर कहता ज़ैनब अब ये बच्ची नहीं गिरेगी। अजादारों क्या किया होगा शिमर ने, क्या क्या ज़ैनब की आगोश में दे दिया होगा। नहीं अजादारों ऐसा नहीं किया। अब शिमर ने एक रस्सी को मंगवाया, एक रस्सी मंगवाई गई, सकीना को ऊंट की नंगी पीठ पर लिटाया गया, बच्ची को बांधना शुरू किया। अजादारों अब ये जब कारवान चला है इसी हालत में बच्ची के जिस्म से खून जारी है, खून टपक रहा है। अजरकुमल अल्लाह अब ये कारवान जिन्ना ने शाम में पहुंचा था। अजादारों आखिरी जुमला बड़ी मुसीबत है सकीना की। ये कौन सकीना है, हुसैन बड़ी मोहब्बत करते इस बच्ची के साथ। हुसैन कहते हैं मेरा उस घर में जी नहीं लगता जिसमें सकीना ना। मेरा जी नहीं लगता जिस घर में सकीना ना हो, ये वही सकीना है। अजादारों जिन्ना ने शाम में कारवान पहुंचा। अब ये तमाम लोग थके हुए थे जब सो गए, ये बच्ची भी सो गई। अजादारों सोते सोते ये बच्ची अचानक जागी है। मक्तल कहता है जब ये बच्ची जागी है तो सैयद सज्जाद आगे बढ़े, ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ी, कहा सकीना क्या हो गया तुम तो सो रही थी। बच्ची कहती है पुप्पी अम्मा मैंने ख्वाब में बाबा को देखा है, आज मेरे बाबा अकेले नहीं आए थे, दादी ज़हरा भी साथ थी। आखिरी जुमला अजादारों, अजादारों अब जब रोने की आवाज यजीद मलूम के कानों तक पहुंची, यजीद सो रहा था, यजीद की नींद में खलल वाके हुआ, अपनी कनीजों को बुलाया, कहा कि बच्ची क्यों रो रही है। अजादारों जवाब दिया गया बच्ची ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा है, अपने बाबा को चाहती है, मेरे बाबा को मुझे ला दो। अजादारों यजीद कहता है ये जो सर हुसैन रखा है इस बच्ची को जाकर दे दो, बच्ची खामोश हो जाएगी। ये होना था कनीजे एक तश में सर हुसैन को लेकर आगे बढ़ी है, कपड़ा डला हुआ है। अजादारों जिंदान के दरवाजे से सकीना ने जब ये मंजर देखा कि कनीजे आ रही हैं, हाथ में थाल है, उसके अंदर कुछ रखा हुआ है, उस पर कपड़ा डला हुआ है, सकीना कहती है मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाबा को ला दो। अजरकुमल अल्लाह आखिरी जुमला अजादारों, अजादारों उसके बाद क्या हुआ। अब बच्ची पर जो जुल्म ढाए गए थे, शिमर ने जो दुर्रे लगाए थे, शिमर ने जो ताजियाने लगाए थे, जो गोशवारों को छीना था,
जब बाबा का सर सकीना की आगोश में आया, अपने बाबा के सर को लेकर कहती है, ऐ बाबा आपके बाद बड़े तमाचे लगे हैं, ऐ बाबा आपके बाद शिमर ने दुर्रे लगाए, गोशुहारे छीने हैं। अदादारो अब कुछ देर के बाद सकीना ने देखा अपने बाबा के चेहरे को, जब देखा तो क्या देखती है, हुसैन का चेहरा बहुत ज्यादा जख्मी है और जख्मी है, गाल जख्मी है। सकीना कहती है, ऐ बाबा आपका चेहरा मुझसे भी ज्यादा जख्मी है, आपका ये हाल किसने किया। अदादारो सकीना खामोश हो गई है। अब सकीना बातें करते करते रुक गई है। अदादारो सैयद सज्जाद आगे बढ़े, सकीना को चाना पकड़ कर हिलाते हैं, सकीना उठो सकीना उठो, सकीना जवाब नहीं दे रही है। अदादारो ये बातें हो रही थी जब कोई जवाब ना आया, सैयद सज्जाद ने अपनी फुफी की जानिब देखा, कहा फुफी अम्मा इन्ना लिल्लाह वा इन्ना امام وقت کو ہم سے راضی فرما، پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، پروردگار جو پریشان حال ہیں تجھے بی بی سکینہ کا واسطہ، چار سالہ جو کھیاری سکینہ کا واسطہ، اس بچی کے منہ پر لگتے ہوئے تماچوں کا واسطہ، پروردگار جو جو حاجات لے کر آئے، پروردگار گھر پہنچنے سے پہلے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، پروردگار جناب سیدہ کو ہم سے راضی فرما، پروردگار ان آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، پروردگار ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پروردگار جہاں کہیں بھی عزادار موجود ہیں، عزادار یہ امام حسین پر پکڑ رہے ہیں، پروردگار ان کی عزت مال جان و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین حیات ان کو طول عمر عطا فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اپنی آخری حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، ماتم حسین۔